कदवा प्रखंड के कदवा मोबलिया बैलोन थाना क्षेत्र में बीते 6 माह व 4 माह पूर्व हुई कई लूटपाट की घटना में शामिल दो अपराधियों को दोनों थानों की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त बातें कदवा थाना परिसर में पीसी कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने जानकारी दी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीएसपी पंकज कुमार ने बताया कि पकड़ाए दो अभियुक्त में से एक मोहम्मद यूनस जो कुर्सेला डुमरिया निवासी है उन्हें पूर्णिया जिले के मुफस्सिल गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में लूटे गए मोबाइल को बरामद किया गया है। माउनी के इकवालिया बयान पर सिकोड़ना पंचायत से मोहम्मद तारिक को उनके घर से एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अपराधी मोहम्मद यूनुस ने बताया कि लूट की घटना में हथियार के प्रयोग किए जाने को लेकर मोहम्मद तारिक उनका साथ दिया करता था, वहीं हथियार को यहां वहां पहुंचाने का कार्य करता था। विदित हो कि अपराधी मोहम्मद यूनुस का शाहिद मोहम्मद तारिक विलिया बैलोन कदवा सालीमारी में हुए लूटकांड में हथियार छुपाने में अहम भूमिका निभाता था। मोहम्मद यूनुस कदवा थाना क्षेत्र के कार्ड संख्या 184-19 बलिया बैलोन थाना क्षेत्र के कांड संख्या 112-19 में नामजद अभियुक्त है। मोहम्मद यूनुस को अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उन्हें चिकित्सकीय जांच उपरांत जेल भेज दिया जाएगा। बलिया बैलोन के एक लूट कांड में मोहम्मद यूनुस वांछित अपराधी थे। इनको पूर्णिया से पकड़ कर लाया गया। इन्हीं के बयान के आधार पर लूटी गई मोबाइल लूट कांड में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया। कितनी घटना इनका अपराधी का इतिहास लंबा है।